कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोमेंट जिस दौरान आप लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे? अच्छा, लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम लास्ट में कर रहे थे। लास्ट में ऐसा होने लगा कि मतलब जो है कि टाइम ऐसा आ गया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अब जो है हम इसको नहीं मतलब अधिक कर पाएंगे, मतलब इसको जो है मतलब सह नहीं पाएंगे कि अभी नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है। लेकिन ये होता है कि भगवान सब कुछ देखता है ना। लास्ट लास्ट में ऐसा होता, ऐसा मोमेंट आया कि मेरे पास मतलब जो है ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब कमाने के लिए जाना पड़ेगा दूसरी जगह। लेकिन तब पर भी हम मेहनत किए, लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत किए। लास्ट लास्ट में जब ऐसा नहीं होने लगा, बहुत ज़्यादा रात रात भर जगते थे हम, दोस्तों से संग संग पढ़ते थे। मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं मतलब हो गया। लेकिन एक बात है कि हो ही गया, जितना मेहनत हम लोग किए वो तो लोग देखता नहीं है। कभी कभी लोग तो ये कह देता है कि लड़का को किस्मत अच्छा था जो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। किस्मत अच्छा के लिए आपको रात को नींदें गंवानी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तभी ये नौकरी मिलती है। बहुत सारा स्टूडेंट अभी तो हम क्या बताएं सर, कि अभी मतलब हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे 3rd फ्लोर तक का है, लेकिन जब ये अब जाते हैं तो देखते हैं जहाँ जो लड़का था वहीं तक है। भगवान करे सब दोस्तों को हो जाए, लेकिन मेहनत करने वाले को जरूर ही होगा, वो ही जाएगा। उसमें से निकल के हम आए हैं आज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने सारे प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जवाब दिया। डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, उनको कुछ जानने को मिला होगा, उनको कुछ सीखने को मिला होगा, वो कुछ मोटिवेटेड फील किए होंगे। तो ऑनलाइन में जिन भी प्लेटफॉर्म्स का आप सहारा लेते थे, उन कुछ प्लेटफॉर्म का रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन आप कौन कौन से रिसोर्सेज का हेल्प लेते थे ऑनलाइन तैयारी के लिए? एक्चुअली ऑनलाइन तैयारी के लिए हम लोग तो मतलब जो भी होता है, जो भी मतलब ऑनलाइन में जो भी मिल जाता था, लेकिन एक्चुअली टेस्ट बुक का टेस्ट देते थे, और आप लोगों का भी मतलब उमंग स्टडी भी देखा करते थे। उससे पॉजिटिव मिलता है, मोटिवेशन अंदर से होता था कि हमको भी कुछ करने का जज्बा आगे अंदर से होता है। इतना होता था कि मतलब कभी हम लोगों का थोड़ा सा मतलब किसी की बातें फीलिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसमें इमोशनल हो जाते हैं, तो इस तरह से देखते थे। तो हमको भी जब तक जॉब आपके पास नहीं है तब तक कुछ नहीं है, जॉब होने के बाद ही आप आती हैं। जॉब कोई भी हो, रेलवे का हो या किसी भाई हो, आप किसी एक पोजीशन पे आइए, उसके बाद और ज़्यादा सपना आप दे सकते हैं और पूरा भी करिएगा। उमंग स्टडी से पहली मुलाकात कब हुई? उमंग स्टडी को पहली बार कब देखा आपने? उमंग स्टडी से हम मतलब जो है लगभग साल 1.5 साल से मतलब जो है उमंग स्टडी हम देख रहे थे। आपका मतलब ऐसा मतलब हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप आज आपसे मुलाकात हो गई, आपको मतलब सीधे सामने से देखने को मिला है, और ऐसा है कि आप बुला भी लिए, थोड़ा सा चलिए अच्छा लग रहा है। हम लोग भी सोचते थे कि मतलब इंटरव्यू तो वहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म कोचिंग में पढ़ते थे, पटना में तैयारी किए थे, वहाँ पे भी सर मतलब जानते पहचानते थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। आज टाइम है, आज छुट्टी लेकर आए हैं, एक दिन का छुट्टी है हम लोगों का। अच्छा, आज फिर शाम में ट्रेन पकड़ेंगे, जाएंगे ड्यूटी। छुट्टी का क्या नियम होता थोड़ा बताइए, क्योंकि स्टूडेंट लोग अभी ज्वाइन करेगा रेलवे को, छुट्टी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। छुट्टी सब में छुट्टी जो है मतलब थोड़ा सा ओपन लाइन का छुट्टी अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओपन लाइन में 10 CL मिलता है, कैजुअल लीव मिलता है, उसके बाद आपको 6 मंथ में 15 जो है LAP मिलेगा, ठीक है। लगभग सब मिला के पर ईयरली आपको लगभग सिक मिला के लगभग 60 से 60 आप लीव ले सकते हैं, 50 से 60 लीव ले सकते हैं। मतलब जो अति होता है, जो मतलब ये होता है उसको छोड़ के, जो मतलब पूजा आर का छुट्टी होता है उसको छोड़ के आप ये सब ले सकते हैं। 15 15 को 30 को आपको साल में LAP मिल जाएगा, 6 मंथ में मतलब मिलता है 15 को, ठीक है। तो आप 30 को LAP ले सकते हैं, उसके बाद जो है 10 या 8 हम लोगों का 8 CL मिलता है, ओपन लाइन का 10 CL मिलता है। तो ये हो गया 10, ये हो गया, और 10 15 सीख हो जाएगा आपको, 30 10 40 15 55 लगभग 55 60 हो जाती है छुट्टियाँ। उसमें कुछ आपको कवर भी बचा के भी रखना पड़ेगा, उसमें आने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद सब कुछ जान जाते हैं स्टूडेंट लोग। और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज जो भी दोस्त देख रहे हैं, अच्छा से दिल से तैयारी कीजिए और कुछ बन जाइए, कुछ बनना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। हम लोगों का जो भी है अच्छे स्टूडेंट को, हम लोगों से ही आगे बढ़ेगी, देश बढ़ेगी, मेरी फैमिली बढ़ेगी, आप लोगों की फैमिली बढ़ेगी, आपका नाम होगा, मान मर्यादा होगी, ये सब है। कुछ भी कीजिए, फाइनली ये कहेंगे आप कुछ भी करते हैं लेकिन पढ़ने के टाइम 100% दीजिए,
पढ़ने के टाइम 100% देखिए आपके आपका रिजल्ट कैसे नहीं होगा, देख लीजिए होगा, रिजल्ट निश्चित होगा। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारे शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम का सीरियस होकर के और डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड, तो अभी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है फ्रेंड, क्योंकि अभी आप लोगों का ग्रुप डी का भी एग्जाम बचा हुआ है, आप लोग का NTPC का CBD 2 भी बचा हुआ फ्रेंड। और कहते नहीं है, किसी भी काम को स्टार्ट करना को काम करना नहीं कहते हैं, काम को करते रहना को काम करना नहीं कहते हैं, काम को खत्म करना को काम करना कहते हैं फ्रेंड। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी मायने नहीं रखता फ्रेंड। और सिलेक्शन में आपको पता है कि आपका जो भी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपका कितना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो अभी आप लोग के लिए एक ऑफर चल रहा है फ्रेंड, आप लोग रेलवे कैटेगरी का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसका प्राइस है मात्र 3,600 रुपया, उसमें भी आप हमारा जो कूपन कोड इस्तेमाल कर लेते हैं उमंग स्टडी, तो आपको 360 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको पे करना पड़ेगा मात्र 3,240 रुपये, यानी पर मंथ के हिसाब से हम लोग देखें फ्रेंड तो आपको एक महीने का पे करना पड़ेगा मात्र 135 रुपये, यानी कि पर डे में 4.5 रुपया, यानी कि 5 रुपये से भी कम का इन्वेस्ट करके आप एक क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। और केवल ऐसा नहीं कि प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आप स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आप लोग अनअकैडमी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी को फ्री में एक्सपीरियंस करिए। फ्री में एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमको प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स NTPC का CBT 1 दिए हैं, हम लोगों ने CBT 1 का फेज 1 से लेकर के फेज 7 तक का सीधा एग्जाम सेंटर के बाहर से लाइव कवरेज किया था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको अनअकैडमी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आपके सामने एक स्टूडेंट ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने खुद ऐसा कहा था कि मैंने पूरा पेपर मात्र 50 मिनट में कंप्लीट कर लिया, बाकी के 40 मिनट हाथ में क्वेश्चंस लिख रही थी और अब चलिए CBT 2 की तैयारी करने। ओके फ्रेंड्स, तो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके ऐसे स्टूडेंट्स इतना अच्छा इनका पेपर जा सकता है तो आपका भी पेपर अच्छा हो सकता है फ्रेंड। फिर आप लोग परचेज करने वाले हैं तो बिना कोई देरी किए हुए परचेज कीजिए। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।